अभी तक जो चीज़ हमने देखी है वो हमने ये देखा है कि एक सिंगल सुपर क्लास होती है, और फिर हमने एक ये चीज़ देखी थी कि जब अगर आपके पास मल्टीपल सुपर क्लासेस होती हैं तो हर एक सुपर क्लास का डिफरेंट रिलेशनशिप होता है। ईच रिलेशनशिप हैज़ अ सिंगल सुपर क्लास, तो हर रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव से सिंगल सुपर क्लास होती है। वॉट इफ के एक ही रिलेशनशिप में आपके पास मल्टीपल सुपर क्लासेस आ रही हो, तो क्या ऐसा आपके पास सिस्टम में पॉसिबल है, या इस तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास कि हमें सब क्लास ड्राइव करनी पड़ जाए विद द सेम रिलेशन विद मल्टीपल सुपर क्लासेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट, अगर इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है और ये ऐसा जो हम सोल्यूशन होता है इसको आप कहते हैं कि ये कैटेगरीज हैं या यूनियन टाइप है। सो सुपर क्लासेस कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट एंटिटी टाइप्स। अब ये जो सुपर क्लासेस हैं ये डिफरेंट एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और इन एंटिटीज़ में से कोई भी आपकी सब क्लास की पेरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल आपके पास ये हो जाएगी कि इन अ डेटाबेस फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अ व्हीकल ओनर कैन बी अ पर्सन, अ बैंक और अ कंपनी। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही जो आप गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं, लेट्स से इट्स अ कार, तो वो कार की ओनरशिप किसी पर्सन की भी हो सकती है। लेट्स से अगर किसी पर्सन ने कैश पेमेंट पे निकलवा ली है गाड़ी शोरूम से, तो दैट कुड बी रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन। अगर किसी बंदे ने बैंक से लोन लिया है और उसके ऊपर निकलवाई है, तो बैंक के नाम पे जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है उस गाड़ी को, तो वो रजिस्ट्रेशन जो होगी वो बैंक के नाम पे होगी जब तक वो बंदा अपना लोन की पेमेंट्स नहीं करता। सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए कोई गाड़ी परचेज की है, तो वो उसको अपने एसेट्स के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। देयरफॉर वो जो रजिस्ट्रेशन बुक होगी वो आइडेंटिफाई करेगी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने उस गाड़ी को परचेज किया है, देयरफॉर इट विल बी ऑन द नेम ऑफ अ कंपनी। अब ये तीनों जो एंटिटीज़ हैं, पर्सन, बैंक और कंपनी, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, और इन तीनों में से कोई भी ओनर हो सकती है फॉर अ स्पेसिफिक व्हीकल। तो ये ओनरशिप का जो रिलेशन है, ये रिलेशनशिप तो एक ही है बट ये तीन डिफरेंट एंटिटीज़ की बेस पे है, और इनमें से कोई भी एक फॉल कर सकती है। लिहाजा आप कह रहे हैं कि जी सुपर क्लासेस जो हैं वो तीन डिफरेंट हैं, पर्सन, बैंक या कंपनी, और उससे आप डिराइव कर रहे हैं ओनरशिप को कि ओनर कौन होगा। तो ये चीज़ जो होती है आपके पास, इसको आप कह देंगे ये यूनियन टाइप है। डिफरेंस फ्रॉम शेयर्ड क्लास बिटवीन एंड द यूनियन टाइप्स इज़ के जो शेयर्ड सब क्लासेस होती हैं ये सुपर क्लासेस की कॉम्बिनेशन होता है। शेयर्ड सब क्लास के अंदर आपके पास शेयर्ड सब क्लास में हमारे पास एक एग्जांपल होती है कि आप कहते हैं कि जो मल्टीपल सुपर क्लासेस हैं हर एक का होना मस्ट होता है, हर एक का होना रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंजीनियरिंग मैनेजर की एक शेयर्ड सब क्लास थी, तो इंजीनियरिंग मैनेजर होने के लिए द पर्सन हैज़ टू बी एन इंजीनियर, ही मस्ट बी अ मैनेजर, एंड देन हमने कहा था कि ही मस्ट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय, और उसने वो तीनों एंटिटीज़ में अपनी इंफॉर्मेशन उसकी होनी थी, एग्जिस्ट करनी थी, और फिर वो जो है उसने बिलोंग करना था इंजीनियरिंग मैनेजर से। बट इन केस ऑफ यूनियन टाइप इट्स ऑपोजिट, इसमें वो जो स्पेसिफिक एंटिटी है, लेट्स से रजिस्ट्रेशन या व्हीकल की जो एंटिटी है, वो किसी एक एंटिटी से बिलोंग करेगी एंड नॉट ऑल। या तो वो बैंक से बिलोंग कर सकते हैं, या वो लेट्स से पर्सन से बिलोंग कर सकते हैं, और या फिर वो कंपनी से बिलोंग कर सकता है, बट नॉट ऑल ऑफ देम। एट द सेम टाइम वो तीन से बिलोंग नहीं कर सकता या दो से नहीं, वो सिर्फ किसी एक से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो वो है सुपर क्लास सिर्फ एक हो सकती है, वेयर एज इन शेयर्ड सब क्लास ऑल द सुपर क्लासेस मस्ट होल्ड ट्रू। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है यूनियन टाइप्स की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो ओनर है किसी व्हीकल का तो वो मल्टीपल सब क्लासेस से सुपर क्लासेस में से किसी एक से बिलोंग करेगा। इट मे बिलोंग टू अ बैंक,
रजिस्ट्रेशन जो है वो इट मे बिलोंग टू अ कंपनी और इट मे बिलोंग टू अ पर्सन। सिमिलरली एक जो रजिस्टर्ड व्हीकल है वो खुद भी किसी कैटेगरी से बिलोंग कर सकती है, एंड इट बट इट कैन ओनली बिलोंग टू वन ऑफ द पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आइदर द व्हीकल कैन बी कार और द व्हीकल कैन बी अ ट्रक, बट इट कैन नॉट बी बोथ। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि ये पेरेंट जो एंटिटी है वो पेरेंट एंटिटीज मल्टीपल हो सकती हैं, सुपर क्लासेस, उन सुपर क्लासेस में से किसी एक सब क्लास से बिलोंग करेगा। ईआर डायग्राम्स को स्पेसिफाई करने का, उसमें रिप्रेजेंट करने का हमने देखा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम मॉडिफाई कर देते हैं और उसी में पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ सुपर क्लास है और कौन सी सब क्लास है। उसके अलावा डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल डिफरेंट वेरिएशंस यूज़ करते हैं। एक जो वेल नोन यूज नोटेशन है वो यूएमएल क्लास डायग्राम्स है। यूएमएल के अंदर डिनोट करने का तरीका है हमारे पास, यूएमएल में अगर हमने डिनोट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल में फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो एंटिटी का नाम बताता है, सेकेंड सेक्शन में उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसके अलावा अगर हम लोगों को ये शो करना हो कि कोई चाइल्ड क्लास है या कोई पेरेंट क्लास है तो वी यूज़ अ ट्राइंगल टू डिनोट दैट। इस ट्राइंगल में ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि दिस ट्राइंगल इज़ पॉइंटेड टूवर्ड्स द पेरेंट क्लास। सो इन यूएमएल वी आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पेरेंट क्लास, लेकिन ईईआर डायग्राम जब हम बना रहे होते हैं तो ईईआर डायग्राम की नोटेशन के अंदर आपके पास जो यू का सिंबल हमने देखा था, द यू सिंबल या आर्क इज़ पॉइंटेड टूवर्ड्स द सब क्लास। तो ये चीज़ एक डिस्टिंक्शन है जिसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आपके पास जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट में ओवरलैपिंग का ऑप्शन है जिसको डोनेट करने के लिए हम ओ यूज़ करते थे इन द ईआर डायग्राम, तो उस डिसजॉइंटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ट्राइंगल को फिल कर देते हैं, शेड कर देते हैं। एज कम्पेयर्ड अगर आप ये शो करना चाहें कि वो सब क्लासेस आर डिसजॉइंट, तो देन यू वुड यूज़ नॉन फिल्ड ट्राइंगल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ई ई आर डायग्राम में डी यूज़ करते होते थे। और उसके बाद आप मल्टीपल सब क्लासेस हम हायरार्कीज या जो हमारे पास हायरार्की के अलावा लेटेस होता है वो चीज़ आप बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से बना सकते हैं और उसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है।